हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गूगल शीट। जैसे हम एक्सेल शीट के अंदर रिकॉर्ड अपना टाइप करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड लिखना है वो हमारा मैनुअली रहता है। अगर हमें ऑनलाइन रिकॉर्ड चाहिए, सपोज करो किसी स्कूल या आईटीआई की डिटेल चाहिए ऑनलाइन, तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे? गूगल शीट एक्सेल की जो होती है हमारी, उसके अंदर। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको देखिए। आज हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल आईडी ओपन करेंगे। मेल आईडी ओपन करने के बाद क्या क्लिक करेंगे, शीट्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, न्यू ब्लैंक शीट। उसके बाद ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करेंगे हम, अपने यहाँ पे फील्ड नेम डालेंगे। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले डाला स्टूडेंट नेम, इसको डबल क्लिक करो या मूव करके इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले क्या हमारा स्टूडेंट नेम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, फादर मोबाइल नंबर, स्टूडेंट मेल आईडी, आईटीआई नेम, आईटीआई ट्रेड, ठीक है। या यहाँ पे आईटीआई नेम के साथ हम क्या लिख सकते हैं, ओब्लिक करके स्कूल, स्कूल नेम, ठीक है। नहीं ट्रेड्स के यहाँ, ट्रेड नहीं, यहाँ लिखेंगे स्कूल क्लास। और यहाँ पे लिखेंगे हम ऑब्लिक स्कूल नेम, ठीक है। और इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लास के रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जिस टाइम बच्चे ने एडमिशन लिया उसके लिए स्टूडेंट प्रान नंबर, एड्रेस, सेशन, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो जो हमें डिटेल चाहिए उस स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे हम कॉलम फीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर सेशन के एक यहाँ पे हमें चाहिए कैटेगरी, कहाँ चाहिए हमें कैटेगरी, फादर नेम के बाद यहाँ पे चाहिए हमें कैटेगरी। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट लेफ्ट कॉलम, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैटेगरी, ठीक है। इस तरह से एक नया कॉलम भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी डिटेल वन बाय वन जैसे ही बच्चा फीड यहाँ पे टाइप करेगा और सबमिट करेगा, वह हमारे पास जिस मेल आईडी से हमने गूगल शीट को बनाया है वहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम सभी स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आगे प्रोसेस क्या करेंगे हम, शेयर। अब शेयर के लिए क्या करेगा, हमने यहाँ पे शेयर का नाम देना पड़ेगा। मैंने यहाँ दे दिया स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, सेव, अब किसको शेयर करना है, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है भी, हमने अगले को परमिशन देनी है एडिटिंग के लिए, अगर नहीं देनी तो रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, अगर करनी है तो एनी वद विद द लिंक, इसको हम करेंगे। और क्या कर देंगे, या तो कॉपी लिंक करो यहाँ से आप, कॉपी लिंक और डन कर देंगे, राइट। कॉपी लिंक करने के बाद आप वहाँ पर आपकी मेल आई डी पेज पर जाएगा और वहाँ से आप उसको शेयर कर सकते हैं, राइट, डन। तो ये था हमारा एक गूगल शीट कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको रिस्पॉन्स उसको यूजेबल कर सकते हैं। थैंक यू।